हाय गाइस, सर सुधा दो किस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल आप सामने गाड़ी देख रहे हो वैगनर VXI CNG मॉडल। पूरी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग बता देता हूं, 689,000 इसकी एक्सशोरूम प्राइसिंग पड़ जाती है। एंड सब कुछ मिला के अगर ऑन रोड जाओगे तो 784,000 आराम से चली जाती है। हेडलाइट्स की बारी आए तो यहाँ पे हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती है, रिफ्लेक्टर टाइप, हाई बीम, लो बीम, अलग से इंडिकेटर यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। फोल्ड लैंप की स्पेस मिलती है, फोल्ड लैंप नहीं मिलते। टोक नीचे साइड ग्रिल मिल जाती है, वैसे डुअल ग्रिल मिलती है इसमें। यहाँ पे क्रोम की स्ट्रैप, बीच में सुजुकी का लोगो एंड बोनेट भी थोड़ा ऐसे कर्व सा देखने को मिल जाता है। अब बारी आ जाती है इसके डायमंड्स की। लेंथ मिल जाती है गाड़ी में 3655 mm, विड्थ 1620, हाइट 1675 एंड जो व्हील बेस फाइनल मिल जाता है इसमें वो 2435 mm का मिलता है। फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, नीचे एक साइड यहाँ पे शील्ड मिल जाती है विद सिल्वर व्हील कवर, टायर साइज 165/70R14 MRF के इसमें टायर मिल जाते हैं। बॉडी कलर ORVM एंड डोर हैंडल्स दोनों देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से अपने लॉक अनलॉक कर सकते हो। वैसे गाड़ी में सेंटर लॉकिंग भी मिल जाती है, सी प्लेयर्स का ब्लैक मिल जाता है। एंटीना वहाँ पे आप सामने की तरफ देख सकते हो। बाकी आप पीछे की बारी आती है, पीछे के लोगों ऐसी गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं मिलती। स्पॉइलर वैसे आपको ना LXI में मिलता ना VXI में मिलता, ZXI में ही मिलेगा। हाई स्टॉप लैंप, वाइपर डिफॉल्ट कुछ नहीं आता। टेल लाइट सिर्फ इतनी चलती है, यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिल जाता है, इंडिकेटर रिवर्स। नीचे साइड देखो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं विद 2 पार्किंग सेंसर्स। वैगनर पूरा क्रोम में लिखा गया है। बाकी अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप यहाँ से बूट ओपन कर सकते हो, सुजुकी का लोगो। साइड की बात आए तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी 37 लीटर्स। सी प्लेयर पूरा ब्लैक में मिलता है, इसकी वैसे थीम सी बना रही है। यहाँ से आप देखो एकदम ब्लैक ब्लैक से लगता है, मैट ब्लैक में। बी प्लेयर पूरा बॉडी कलर्ड एंड ए प्लेयर भी बॉडी कलर्ड मिल जाता है। बाकी बाहर से पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है इसके इंटीरियर की। सेंटर लुकिंग गाड़ी वैसे देखने को मिल जाती है, अगर लेकिन अगर आप वैसे अनलॉक करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। पूरी गाड़ी में आपको ब्लैक एंड बीच कलर की थीम मिलेगी। डोर ट्रिम की बात है, यहाँ से अपने डोर पकड़े बंद कर लो। नीचे साइड मैगजीन होल्डर, बोटर होल्डर, स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में। चारों पावर विंडो, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड है वो अप डाउन मिल जाती है। इसमें लॉक अनलॉक और ORVM आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल गाड़ी के अंदर बैठते हैं। डोर ओपनर भी इसमें सिल्वर में मिल जाता है। बाकी स्टेयरिंग पे एंड डोर ओपनर पे आपको सिर्फ सिल्वर टोन मिलेगी, वैसे कहीं पे भी इसका यूज इतना नहीं करा गया है। इंटीरियर आप देख सकते हो LXI में, बस इसमें यह है कि उसमें स्पीकर नहीं आता, स्टीरो कुछ भी नहीं आता। स्टेयरिंग पे आप यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर टोन स्टेयरिंग वही मिल जाता है, सिंपल सा। बाकी मैं अभी फिलहाल डोर ओपन कर लेता हूँ एक बार। यहाँ से अपना CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच कर सकते हो। नीचे साइड यहाँ से हुड ओपन कर लो, AC वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी MID LXI वाली मिलती है, यहाँ से अपना ट्रिप रीसेट कर लो। राइट साइड इंडिकेटर, लेफ्ट साइड वाइपर्स के कंट्रोल, ये वाला ऐसे इवेंट एकदम बेकार मिलता है आपको, इसका कुछ भी यूज नहीं है। स्टीरियो आपको वैसे ही मिल जाता है बटन वाला। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाओ वहाँ पे टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। उसी के नीचे हजार लाइट के कंट्रोल, AC वेंट्स देखो तो मैनुअली मिलते हैं, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं मिलते। 12 वोल्ट का सॉकेट एंड आप अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा के आराम से यहाँ पे रख सकते हो। नीचे साइड भी थोड़ी सी स्पेस दे रखी है। गियर आपको वही मिल जाता है शाइनी शाइनी सा। अगर आप LXI में जाओगे तो वहाँ पे ब्लैक कलर का पूरा मिलता है, हैंड ब्रेक भी ब्लैक कलर का मिलता है, लेकिन इसमें इसकी जो नॉब है वो क्रोम टाइप में मिल जाती है। नीचे साइड थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे अपने बोतल रख सकते हो, आपकी यहाँ तक आ जाएगी आराम से। ये वाली स्पेस भी आपकी बढ़िया रहती है, अगर बोतल रखना चाहो तो रख सकते हो। सनवाइजर की बारी आए तो ड्राइवर साइड पर टिकट होल्डर मिल जाती है, IRVM ऐसे ही नॉब वाला मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। ऊपर साइड यहाँ पे लाइट मिल जाती है येलो कलर की। पैसेंजर साइड सनवाइजर में एक मिरर देखने को मिल जाता है। वैसे ग्रैब हैंडल ऐसे ही वो वाले मिल जाते हैं, नेट से कस दिया ऐसे। ग्लव बॉक्स देखो तो ऐसा सिंपल सा मिलता है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा। दो एयरबैग मिल जाते हैं, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे स्टीयरिंग पे। बाकी फैब्रिक का पूरा यूज कर रखा है, ब्लैक एंड बीच कलर का इंटीरियर मिल जाता है। फ्रंट वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। पीछे साइड चलते, पीछे स्पेस दिखाता हूँ मैं कैसे कुछ स्पेस मिल जाता है। पीछे साइड डोर ट्रिम की बारी आई थी, यहाँ पे पावर विंडो मिल जाती है, मैगजीन होल्डर छोटा सा मिलता है, बोटल वोटल स्पीकर, सिल्वर टोन में डोर ओपनर। अब आप स्पेस खुद देखो, इसका स्पेस बढ़िया मिल जाता है। मैंने अपने अगली वाली सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली थी। अब देखो लेग रूम भी अच्छा से मिल जाता है, थाई स्पोर्ट भी ठीक ठाक है। ग्रैब हैंडल वही वाले मिलते हैं जो आगे पैसेंजर साइड मिलते हैं, ड्राइवर साइड पता नहीं क्यों नहीं मिलते। हेडरेस्ट स्टक्ड मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलता आगे के पीछे के। पूरी बेसिक गाड़ी मिलती है, ऐसे LXI एंड VXI में इतना कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आप LXI की वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप अपना बूट खोल लो तो यहाँ से खोल सकते हो, नहीं तो आपको आगे साइड भी एक स्विच मिल जाएगा, वहाँ से खोल सकते हो। पास अल्ट्रे गाड़ी मिल जाती है, चेंज एक्स सिलेंडर एंड स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर रखा मिल जाता है आराम से। वैसे इन दोनों चीज़ों को रखने के बाद स्पेस इतना नहीं बचता, लेकिन हाँ अगर आप रख सकते हो वैसे उसके ऊपर रखना हो तो 341 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी पूरी गाड़ी वैसे कंप्लीट हो चुकी है, बाहर से अंदर से CNG स्टिकरिंग यहाँ पे आगे पीछे साइड दोनों देखने को मिल जाती है। एक चीज़ रह गई है अब इसका हुड एंड इंजन स्पेक्स। आप अपना हुड यहाँ से खोल सकते हो, नीचे साइड बस इसको पुल करना है और कुछ नहीं। अब बार याद है इसके इंजन स्पेक्स की, 1000 cc का इसमें इंजन मिल जाता है 3 सिलेंडर के साथ, K10C CNG में मिल जाता है जो कि निकालते 56 bhp विद 82 Nm टॉर्क। अब तो ये गाड़ी आपकी BS6 फेज 2 में देखने को मिल गई है। बाकी पूरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।